वायरल हुआ था जितने घटना की शुरुआत हुई है, उसमें दो लड़के दिख रहे हैं, उनका क्या है, साथ में दिख रहे हैं वो लड़के। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस। सागर जिले के शाहगढ़ से नाबालिग गैंगरेप की घटना के कुल 7 आरोपियों पर मामला पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी नाबालिग की शिकायत पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला 3 नाबालिग अपचारी सहित 7 पर धारा 376D, 323, 324, 354A, 354B एवं पास्को एक्ट सहित SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं आज शाहगढ़ पुलिस 6 आरोपियों को न्यायालय में पेश करेगी। तो वहीं घटना स्थल के वायरल वीडियो में दिख रहे अन्य दो युवकों की पहचान के लिए पुलिस जांच कर रही है। बाकी एक आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं शाहगढ़ थाना प्रभारी अर्चना सेन ने बताया कि गिरफ्तार 6 आरोपियों में 3 बालिग एवं 3 नाबालिग है। बताइए कितने आरोपी। जो घटनाक्रम हुआ से 5 लोगों के नामजद आरोपी हैं, इसके अलावा अन्य 2 लोग हैं। तो 2 में से एक अब तक कुल 6-7 टोटल में से 6 लोग अभी तक पुलिस पोजीशन में गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी एक अन्य व्यक्ति के बारे में पता चिपी की जा रही है, उसको ये टीम भेजी हुई है। मैडम जी, ये वीडियो जो वायरल हुआ था जिससे घटना की शुरुआत हुई है, उसमें 2 लड़के दिख रहे हैं, उनका क्या है, साथ में दिख रहे हैं वो लड़के। उस संबंध में अभी जांच नहीं हो पाई है, उस दिशा में भी जरूर जांच करके उसके खिलाफ जो भी होगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैडम जी, इनको न्यायालय में पेश किया गया है क्या? नहीं, इनको आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है, अभी एक प्रोसीजर में है। अच्छा, ये सब बालेंगे कि ना बालेंगे? कुछ आरोपी इसमें ना बालेंगे। अमन खान, इसका पूर्वी आपराधिक रिकॉर्ड है, महिला संबंधी आपराधिक रिकॉर्ड है। अमन खान है, फिरदौस खान है, बिट्टू प्रजापति, ये बालिग है। बाकी अन्य 3 आरोपी जो हैं उनको रक्षा में लिया गया है, क्योंकि औपचारी बालक है वो, तो उनका नाम पब्लिकली ले जाना उचित। इसमें गैंगरेप से संबंधित धाराएं का समावेश किया गया है। इसके अलावा भी और धाराएं लगाई इसके वाले बच्ची हैं। हाँ, पास्को एक्ट और पीड़ित जो है वो ऐसी जाति में बिलोंग करती है, इसलिए SC/ST, पास्को एक्ट और महिला संबंधी अपराधों की धाराओं का समावेश किया गया है।